بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voice recorded by Tariq Aziz, The Garbage Thrower. True story taken from the life of the Holy Prophet, peace be upon him. Let's see. ये स्टोरी सबने सुनी होगी, लेकिन आज जिस अंदाज में आपको सुनाने जा रहा हूँ और जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है. सो आई होप यू विल लिसन एंड वॉच टिल एंड. आप सुनेंगे इसे आखिर तक. लेट स्टार्ट. शी थॉट टिल लेट एट मिडनाइट. शी थॉट टिल लेट एट मिडनाइट. वो रात भर देर तक, रात देर तक सोचती रही. एंड फाइनली डिसाइडेड हाउ टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम. और आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि किस तरह उससे बदला लेना है. She could not sleep all the night because she was too eager to take revenge for the idols she worshipped. She could not sleep all night. वो सारी रात सो ना सकी. Because क्योंकि she was too eager. इसको कुछ लोग एगर पढ़ते हैं. ईगर बेकरार थी. शी वॉज टू ईगर, बहुत ज़्यादा बेकरार थी. टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए. किस चीज़ का बदला? फॉर द आइडल्स शी वर्शिप. अपने अपनी मूर्ति, अपने भगवान, अपने देवताओं की जो इसकी इबादत करती है, उसका, उस भगवान देवता की इंसल्ट या उसके लिए बदला लेना चाहती थी. इवन बिफोर द फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट. देखें, मैंने इसमें विकैबलरी ब्रैकेट में लिखी हुई है, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स सेड टू मी, सर वी वांट विकैबलरी, सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न विकैबलरी. सो आई होप Even before the first ray, ray कहते हैं किरण, किरण को, जो सूरज की पहली किरण होती है उसको कहा जाता है ray of sunlight. Before the first, even before the first ray of sunlight had entered her window, जब यहाँ तक के जब पहले सूरज की किरणें भी नहीं निकली थी, उसकी खिड़की तक पहुंची नहीं थी. शी वॉज बिजी स्वीपिंग हर हाउस. वो मसरूफ हो गई थी सफाई करने में अपने घर की. शी सेव ऑल द गार्बेज इन अ बास्केट. उसने तमाम कचरा, गार्बेज कहते हैं कचरे को, और इस स्टोरी का नाम है गार्बेज थ्रोअर, यानी कचरा फेंकने वाला या वाली. सेव ऑल द गार्बेज इन अ बास्केट. उसने तमाम कचरा बास्केट में जमा कर लिया. प्लेस इट ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस. और छत, छत पे, छत कहते, छत रूफ कहते हैं छत को, घर की छत पर रख दिया, यानी घर के ऊपर वाली मंजिल पे रख दिया जहाँ खिड़की करीब थी. प्राउडली लुक एट इट फॉर अ वाइल. और फख्र से थोड़ी देर तक देखने लगी. देन विद एन इम्पेशेंट
इम्पेशेंट कहते हैं बेसब्री को, बहुत ज़्यादा जल्दबाज को। बेसब्री बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, लुक ऑन हर फेस, उसके जो चेहरे पर थी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, बेसब्री नज़र आ रही थी। शी लुक एट द स्ट्रीट, उसने सड़क की तरफ देखा। डैड के शी लिव्ड ऑन, जहाँ वो रहती थी उसी की सड़क पर उसने देखा। एंड थॉट, और सोचा। नो वन हैज़ एवर सीन हिम एंग्री, किसी ने भी उसे गुस्से में नहीं देखा। ये उस शख्स की बात हो रही है जिसकी ये कहानी है, उस हस्ती की बात हो रही है जो सस्पेंस है, आगे पता चलेगा वो कौन है, जिसको किसी ने भी कभी गुस्से में नहीं देखा। एवरीबॉडी विल फ्रेज मी व्हेन दे विल सी शाउटिंग एट, हर कोई इसको प्रेज भी कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग फ्रेज भी पढ़ते हैं। एवरीबॉडी विल फ्रेज मतलब होता है तारीफ, मी हर कोई मेरी तारीफ करेगा। व्हेन दे विल सी हिम, जब लोग उसे देखेंगे। शाउटिंग एट चीखते हुए चिल्लाते हुए, एट मी मुझ पर चीखते चिल्लाते हुए जब लोग देखेंगे। एंड गेटिंग मैड, और पागल होते हुए देखेंगे। ये उसकी सोच थी, वो सोच रही थी। दे विल लाफ एट हिम, जब वो चीखेगा गुस्सा करेगा पागलों वाली हरकत करेगा तो लोग जो हैं वो उस पर हंसेंगे। एंड मेक फन ऑफ हिम, और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। शी लुक एट द बास्केट अगेन एंड ग्रिन। ग्रिन का मतलब होता है दांत निकाल कर हंसना, यानी शैतानी मुस्कुराहट को भी कह सकते हैं आप। शी लुक एट द बास्केट अगेन, उसने कचरे वाली बास्केट को देखा और फिर मुस्कुरा दिया दांत निकाल के। Meanwhile, इसी दौरान, meanwhile का मतलब होता है इसी दौरान या दौरान। She heard footsteps, उसे पैरों की आवाज आई। Announcing the approach of the end of her waiting, जो बता रही थी कि उसके इंतजार का वक्त ख़त्म हुआ, जो सारी रात सोई नहीं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मैं उस शख्स से बदला लूँगी जो शख्स उसके देवताओं को नहीं मानता, उसकी मूर्तियों को नहीं मानता, उस शख्स से मैं बदला लूँगी, उसे पागल कर दूँगी, उसे इतना गुस्सा दिलाऊंगी कि वो पागलों जैसी हरकत करेगा और सब मेरी तारीफ करेंगे। ये सोच कर सारी प्लानिंग की उसने रात भर जाग कर, सारा कचरा जमा किया, एक बास्केट में डाला और इंतज़ार करने लगी। और अब वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। फाइनली माई प्रे हैज़ अराइव्ड। प्रे पी आर ए वाई होता है प्रे यानी दुआ। PREY होता है शिकार। आखिरकार मेरा शिकार आ गया या पहुंच गया। शी थॉट, उसने सोचा। एज शी सॉ अ मैन ड्रेस इन क्लीन वाइट क्लोथ कमिंग दैट वे, उसने देखा कि एक वाइट कुर्ता वाइट कपड़े पहना हुआ साफ सुथरा बंदा
उस रास्ते पर आ रहा है। शी पिक अप द बास्केट इन हर हैंड थ्रू ऑल द गार्बेज ऑन हिम व्हेन ही पास बाय। जैसे ही वो गुजरा उसके घर के करीब से, शी पिक अप द बास्केट इन हर हैंड एंड थ्रो ऑल द गार्बेज ऑन हिम व्हेन शी पास्ड बाय व्हेन ही पास्ड बाय। जैसे ही वो गुजरा तो तमाम कचरे की जो बाल्टी भरी हुई थी उसने जमा की थी वो उस शख्स के उस हस्ती के ऊपर फेंक दी गई। मच टू द वुमेन्स डिसअपॉइंटेड ही हैड नॉट ही डिड नॉट से एनीथिंग एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे। बहुत ज़्यादा जो औरतें थीं वो मायूस हो गईं। क्यों? ही डिड नॉट से एनीथिंग एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे। जो औरतें वहाँ खड़ी थीं जब कचरा गिरा तो उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद ये गुस्सा करेगा, ये शख्स गुस्सा करेगा, ये शख्स यकीनन कुछ ना कुछ बुरा भला बोलेगा। लेकिन ही डिड नॉट से एनीथिंग। लेकिन उस शख्स ने, उस हस्ती ने कुछ नहीं कहा। एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे और अपना सफ़र जारी रखा, अपने रास्ते पर चलता रहा। शी डिड द सेम फॉलोइंग डे थिंकिंग मे बी दिस टाइम आई विल एबल टू एनॉय हिम। उसने दोबारा वही हरकत की अगले दिन, ये सोच कर कि शायद आने वाले वक्त में वो गुस्सा हो जाएगा। आई विल बी एबल टू एनॉय हिम। शायद मैं उसे नाराज कर सकूं, शायद मैं उस शख्स को गुस्सा दिला सकूं। अगर एक दिन नहीं गुस्सा किया तो क्या हुआ? 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, जब तक वो गुस्सा और नहीं करेगा, उसकी बेइज्जती नहीं कर लूं, जब तक मैं उस पे कचरा फेंकती रहूंगी। बट ही वॉज टू जेंटल टू शाउट एट वुमेन। वो बहुत ही आला खानदान से था, या वो बहुत ही ज़्यादा नरम मिजाज शख्स था। टू शाउट एट अ वुमेन के एक औरत पर चिल्लाया भी नहीं। शी मिस इंटरप्रेटेड हिज एटीट्यूड एज फेयर टू डिसाइडेड टू रिपीट द सेम मिसचीव एवरी डे। शी मिस इंटरप्रेटेड, उसे गलत समझा उसने, उसके रवैये को गलत समझा, उसे गलत समझा, उस शख्स को उसने गलत समझा। उसकी गलत फहमी थी कि वो जितनी दफ़ा कचरा फेंकेगी एक ना एक दिन वो उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसको गलत फहमी हुई थी कि उसने उसके खुदाओं को नहीं माना तो गलत किया, उसने उसके रब को नहीं माना, उसके देवताओं को नहीं माना तो गलत किया। उसकी ये सोच गलत थी क्योंकि उसका जो रवैया था एस फेयर डराने वाला, डिसाइडेड टू रिपीट द सेम मिसचीफ एवरी डे। ये शरारत हर दिन वो दोहराती कि शायद वो डर जाए, शायद वो अपना रवैया बदल दे, या वो अपने आप को तब्दील कर ले, या वो उस रास्ता बदल ले, या वो शख्स जो था वो शख्स गुस्सा कर जाए। सिर्फ एक दफ़ा उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाए तो लोग उस पर हंसेंगे। और ये तमाम चीज़ें करने का उसके पास क्यों करती थी? इन ऑर्डर टू कीप हिम फ्रिटन। इन ऑर्डर टू कीप हिम फ्रिटन, सिर्फ डराने के लिए करती थी कि वो डर जाए, गुस्सा हो जाए, सो दैट ही माइट स्टॉप प्रीचिंग द वननेस ऑफ गॉड
कि शायद वो तबलीग करना छोड़ दे एक खुदा की, एक अल्लाह की, द वन एंड ओनली वन गॉड, वो उसकी इबादत करना, उसकी तबलीग करना छोड़ दे, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेगा तो कचरा फेंकते रहेंगे। दिस जेंटलमैन हुम द वुमेन हेटेड सो मच, ये जो आला खानदान का शख्स था, हुम द वुमेन हेटेड सो मच, जिससे औरत बहुत ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि वो उसके खुदाओं को नहीं मानता था, वो कौन था? दिस जेंटलमैन हुम द वुमेन हेटेड सो मच वॉज मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, जो अल्लाह के आखिरी आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिस अपॉइंट द वुमेन, वो उस औरत को मायूस नहीं करना चाहते थे। सो कंटिन्यूड टू वॉक डाउन द स्ट्रीट एवरी डे, हर दफा हर रोज उसी सड़क से गुजरते, क्योंकि वो उस औरत को मायूस नहीं करना चाहते थे। इंस्टेड ऑफ पिकिंग एन अल्टरनेट रूट, बजाय इसके कि वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते, ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उसी रास्ते से जाते जिस रास्ते पर उन पर कचरा फेंका जाता। एंड प्रेड फॉर द वुमेन टू रिकॉग्नाइज द ट्रुथ, एंड प्रेड फॉर द वुमेन टू रिकॉग्नाइज द ट्रुथ, और दुआ करते उस औरत के लिए कि वो पहचान सके सच को, सच्चे रास्ते को, सच्चे खुदा को। वन डे द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट फाइंड द वुमेन टू बी ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन डे द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट फाइंड द वुमेन टू बी ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स उस औरत को छत पर ना पाया, या उन्हें ना मिली, उन पर कचरा ना गिरा, विद द बास्केट, उस बास्केट के साथ उसे ना पाया। एक रोज़ औरत लगातार एक दो हफ्ते से कचरा फेंक रही है, और एक दिन नहीं फेंके तो हर इंसान को सस्पेक्ट होता है, कुछ परेशानी हो, परेशानी हमें तो खुशी होगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिस वरीड हिम, ये चीज़ उन्हें परेशान कर गई। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उन्होंने सोचा, समथिंग मस्ट हैव हैपन टू हर फॉर नॉट बीइंग ओवर देयर, उस औरत का वहाँ ना होना, कुछ ना कुछ हुआ है उसके साथ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो ही नॉक एट द डोर, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। हु इज इट, आवाज आई, हु इज इट, कौन है? आस्क अ फीमेल वॉइस, कौन है? बिल्कुल कमजोर आवाज आई। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वॉज द रिप्लाई। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम उनका पूरा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसे हम बोलते हैं मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, वॉज द रिप्लाई, जवाब आया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? द वुमेन फियर्ड आई एम सिक एंड टू वीक टू फाइट अ टॉक बैक देयर फॉर मोहम्मद हैज कम टू टेक रिवेंज फॉर वॉट आई हैव बीन डूइंग टू हिम। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो डर गई औरत, सोचने लगी मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं लड़ नहीं सकती, मैं जवाब नहीं दे सकती, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं बदला लेने, जो भी मैंने उनके साथ किया उसका बदला लेने आए हैं। बट द परमिशन टू एंटर, ये उसकी सोच थी, द परमिशन टू एंटर हर हाउस वॉज इन सच अ जेंटल वॉइस शी अलाउड हिम इन। लेकिन जो इजाज़त लेने वाली आवाज़ थी वो बहुत ही नरम, बहुत ही आला थी। ये चीज़ जो कैन आई कम इन, अगर मैं बोलूँ कैन आई कम इन तो ऐसे नहीं, क्या कैन आई कम इन तो इस अंदाज में पूछा जाता है, तो हर कोई ये सोचता है कि यकीनन ये दुश्मन नहीं। तो उस औरत ने इजाज़त दे दी, हाँ आ जाओ। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंटर द हाउस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए घर में। एंड टोल्ड द वुमेन दैट नॉट फाइंडिंग हर ऑन द रूफ वरीड हिम, थस ही वांटेड टू इंक्वायर अबाउट द हर हेल्थ। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब घर में दाखिल हुए, उस औरत से कहा, उसे ना पाकर छत पर वो परेशान हो गए। ही थस वॉन्टेड टू इंक्वायर, वो मालूम करने आए हैं, दरियाफ़ करने आए हैं अबाउट हर हेल्थ, आपकी सेहत के बारे में, तुम्हारी आपकी सेहत कैसी है ये मालूम करने आए हैं हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऑन फाइंडिंग आउट हाउ इल शी वॉज, ही जेंटली आस्क इफ़ ही नीड एनी हेल्प। वो कैसी बीमार है ये मालूम, ये पता करने आए हैं कितना बीमार है। और बड़े ही मौज़िब अंदाज में पूछा गया कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं। हैप्नोटाइज का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए आप मदहोश हो जाएं, बाय द अफेक्शनेट टर्न इन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ब्लेस वॉइस। ये जुमला ज़रा समझें, इस जुमले को, बड़ा ही प्यारा जुमला है। जब आप किसी की नरम आवाज़ सुनते हैं, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी हुई आवाज़, प्यारी आवाज़, उसका लहजा जो प्यारा अंदाज से पूछा गया, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी काम की ज़रूरत है, इस चीज़ ने उस औरत को हैप्नोटाइज कर दिया, मदहोश कर दिया, इतनी प्यारी आवाज़ ने जो रहमत से भरी हुई थी। शी फॉरगॉट ऑल फियर आस्क फॉर सम वाटर, वो तमाम खौफ डर भूल गई और पानी मांगा, थोड़ा सा पानी दो। ही काइंडली, ही का मतलब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, ही गेव हर सम इन अटेंसिल, अटेंसिल कहते हैं बर्तन, वो पानी थोड़ा सा बर्तन में डाल के दिया। एंड प्रेड फॉर हर हेल्थ वाइल शी क्वाइच हर थर्स्ट। क्वेंच लव्स है ये, QUENCHED, क्वेंच। Prayed for her health, सेहत के लिए दुआ मांगी उसकी, और while she quenched her thirst, जब वो अपनी प्यास बुझा चुकी थी, this made her feel guilty for being so cruel to him in the past. उसके बाद उस औरत को एहसास हुआ, शर्मिंदगी हुई, अपने आप को मुजरिम समझने लगी, या शर्मिंदगी हुई इस वजह से कि वो इतनी सालिमाना
क्यों हो गई थी उससे पिछले दिनों माजी में इतनी सख्त गरां कैसे हो गई थी, ये चीज़ उसे शर्मिंदा कर रही थी। एंड शी अपोलोजाइज फॉर हर मीन बिहेवियर, और उसने अपने रवैये की माफ़ी मांगी उस औरत ने। ही forgave her and came to her house. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और उसके घर से वापस आ गए। came to her house every day to clean it, to food her and to pray for her. हर दिन वो उनके घर की सफाई करते, उन्हें खाना खिलाते, उनके लिए दुआ करते। Till she was on her feet, जब तक करते रहे, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो गई। The kind attitude of the Prophet, peace be upon him, inspired her into the recognition of the truth. ये जो मेहरबानी वाला रवैया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इंस्पायर्ड हर, उसे मुतासिर कर गया इनटू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, सच्चाई को पहचानने में मदद दे गया। ये जो तरीक़ेकार था, इसने उस औरत को सच जानने में, पहचानने में मदद दी। एंड हिज प्रेयर वर आंसर इन फॉर्म ऑफ यट another addition into the growing number of Muslims. और इसकी दुआओं में जवाब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, उसकी दुआओं का दुआएँ कबूल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन द फॉर्म ऑफ यट अनदर एडिशन इन टू द ग्रोइंग नंबर ऑफ मुस्लिम, एक और मुसलमान मुस्लिम का इजाफा हो गया मुसलमानों में। उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। So what did we learn from this story? What have we learned from this story? हमने क्या सीखा इस कहानी से? The kind attitude, never annoyed, never shout at anyone, even he is your enemy. आपका दुश्मन भी है, उससे भी गुस्से में बात मत करें। सो हम सिर्फ ये कहानी को कहानी ना समझें। दिस इज़ द रियलिटी, ट्रू स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ये सच्ची कहानी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यही एटीट्यूड, यही बिहेवियर की वजह से लोग मुसलमान हुए। बिकॉज अगर तलवार से मुसलमान होते तो कभी इस्लाम ना फैलता, और आज मुसलमानों को कहा जाता है टेररिस्ट, क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भुला दिया, उनकी आदतों को अपनाना छोड़ दिया, उनका पोलाइट नरम लहजा छोड़ दिया, उन जैसा बनने की कोशिश करना छोड़ दिया। कोशिश आप बन नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ टीवी ड्रामे फिल्मों लव और लोगों से कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बने, उन जैसी एक भी आदत डालें, उन जैसा तकवा अख्तियार करें, उन जैसी मोहब्बत करें लोगों से, दुश्मन से भी मोहब्बत करें, दिल से मुस्कुराह कर बात करें, लहजे को नरम करें, चीख कर बात मत करें, आहिस्ता चलें, झूठ ना बोलें, डोंट टेल अ लाई, वी नेवर अडॉप्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाट सेड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी नेवर फॉलो। So how can we become like Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam? If we follow Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam sunnah tradition,
So we will become like Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, because Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam is the topest person in the world, sabse ala shakhs hain, insano mein sabse ala mere Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam hain, jinhone अपने रवैये से, बिहेवियर से लोगों को तब्दील किया। और आज हमें कोई गाली बकता है तो हम उसे ये नहीं कहते कि गाली क्यों दे रहे हो भाई, गाली नहीं दो, हम भी आगे से गाली दे देते हैं। हमारे नबी ने कभी भी किसी से बदतमीज़ी नहीं की और हम बदतमीज़ी किए बग़ैर कोई काम नहीं करते। हमारे नबी ने मोहब्बत बांटी और हम नफ़रतें चुगली और गीबतें बांट रहे हैं। हमारे नबी ने हमें सुन्नतें बताई कि ये करो ये करो ये करो, वालिदैन से मोहब्बत से पेश आओ, वालिदैन से मोहब्बत करो, बट वी नेवर फॉलो। हमने कभी उन्हें फॉलो ही नहीं किया। वी नेवर डू एनीथिंग what Nabi sallallahu alaihi wasallam did in his life. हमने वो कभी नहीं किया जो नबी ने अपनी ज़िंदगी में किया। How? Why? Because we want to become like Salman Khan, Amir Khan, Shah Rukh Khan, but we never want to become like Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. हम सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अपने नबी की तरह बने जो सबसे अजीम थे, सबसे आला थे। ही इज़ द मोस्ट सुपीरियर, जो कह कह कर थक गए, जो कह कह कर थक गए मेरे नबी कि मुसलमान सब एक हैं, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, कोई काला कोई गोरा नहीं। There is no rich, no poor. There is no black, no white. All are equal. All are equal. But we forget Allah. We forget upon our Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Even our Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam tell us rights of neighbors, rights of human being, rights of Muslims, but we never follow. हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों का हक बताया, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसानों पे क्या हक है ये बताया, क्या चीज़ हराम है। इफ़ यू किल वन मैन, वन इनोसेंट मैन, यू किल द होल ह्यूमनिटी। अगर तुम इस शख्स को मारते हो तो इसका मतलब है एक मासूम शख्स को मारते हो तो पूरी 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 इंसानियत को मार दिया तुमने। इंसान इंसान पर इंसान की क्या चीज़ें हराम है ये हमें नहीं पता। बिकॉज वी वॉन्ट टू बिकम आमिर खान, वी वॉन्ट टू बिकम सलमान खान, वी वॉन्ट टू बिकम शाहरुख खान, बट वी नेवर वॉन्ट टू बिकम बिकम लाइक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Even we don't have patience, we always become aggressive, angry. हम हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा नेचर है हमारे में। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा नहीं करते थे। इवन उनकी गर्दन पे तलवार रख दी, वो कुछ नहीं कहे। जब उनके हाथ में भी तलवार आ गई, जब भी उसे नहीं मारा। ऐसे थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम कहाँ हैं, वेयर आर वी? आई एम अ मुस्लिम बाय नेम, आई एम नॉट अ रियल मुस्लिम, बिकॉज आई डू नॉट फॉलो माय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत ट्रेडिशन। समटाइम आई फील शेम बिकॉज वी जस्ट
आर रनिंग आफ्टर अवर डिज़ायर विशेस, हम बस अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। होप यू डोंट माइंड बिकॉज समटाइम आई जस्ट गेट मैड, थोड़ा पागल हो जाता हूँ, सो डोंट माइंड बिकॉज समटाइम आई फील बैड फॉर मी, फॉर यू, फॉर एवरी वन, बिकॉज वी नेवर लव एवरी वन, बिकॉज अल्लाह लव दोज पीपल, गॉड लव दोज हु लव हिज फेलो मैन, अल्लाह उनसे प्यार करता है जो उसके बंदों से करते हैं, इवन ही इज़ मुस्लिम आर नॉन मुस्लिम, इवन ही इज़ हिंदू आर एनी अदर रिलीजन आर क्रिश्चन, लव देम बिकॉज ही इज़ आल्सो द ह्यूमन बींग, ही इज़ आल्सो हु इज़ द गॉड ऑफ हिंदू, हु इज़ द गॉड ऑफ क्रिश्चन is our Allah. If you think Allah is one and Allah created the whole world, so why you hate those people? Just don't hate them. Love them. If you love them, you can change them. If you don't love them, you will never change them. Agar aap kisi se mohabbat karte ho, mohabbat aapko us shakhs ko badal sakti hai, lekin aap नफ़रत से किसी को नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट चेंज द पर्सन बाय हेटिंग, बाय हेट समवन यू कैन नॉट चेंज द पर्सन। होप यू डोंट माइंड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्तलवस्ता, दुआ में याद रखिएगा।